चिल्लाकर बोलने से तो बहरे भी सुन लेते हैं, फिर अपने तो तो फिर साई क्यों नहीं देते? साई को मारिए गोली, बोलिए तो राय दे दूं। ओ शट अप। पीछे रहने की आदत नहीं है ना? आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? पीछा? पीछा तो वो करते हैं जो पीछे रहते हैं, मैं तो आपके आगे हूँ। जबान तो खूब चला लेते हो। मोटरसाइकिल भी खूब चला लेता हूँ, देखा नहीं आपने? ओह यू, हटाओ अपने फटफटिया को। किसको? उसको हटाओ। ओ अरे ये क्या हुआ? साहब, मैं आपकी कुछ मदद करूं? नो थैंक यू। एज यू प्लीज। निम साहब, चाबी घुमाने से कुछ नहीं होगा। विल यू माइंड योर ओन बिजनेस? बाप रे। निम साहब, आपका मीटर बता रहा कि इस फटफटिया में पेट्रोल नहीं है। ओह नो। ओह यस। अब क्या होगा? उनको तो बहुत कुछ हो सकता है, इतना बड़ा जंगल है, खतरनाक जानवर आ सकते हैं, डाकू आ सकते हैं, फिर मैं तो आप यहाँ से जाएंगे या नहीं? कमाल है, अजीब जमाना आ गया। मैंने तो ये सोचा था कि अपनी फटफटिया के साथ इस फिटफिटिया को बांध के ले जाऊंगा, लेकिन मुझे क्या मालूम कि भलाई का बदला बुराई होता है। जा रहा हूं मैं साहब। सुनिए। किसने पुकारा? जी मैंने। आपने मुझसे कुछ कहा? जी हाँ। ओह वेरी गुड, बोलिए। आप मुझे पेट्रोल पंप तक पहुंचा देंगे? ऑफ कोर्स। नहीं नहीं, एक काम और हो सकता, मैं अपना पेट्रोल इस खूबसूरत गाड़ी में डाल देता हूँ और आप मुझे और मेरी फटफटिया को लिफ्ट दे दीजिएगा। जी सोच लीजिए, दोनों बातें करते करते मंजिल तक भी पहुंच जाएंगे और साथ भी रहेगा, क्या ख्याल है? मुझे मंजूर है। ओह दैट्स लवली, शी इज अ नाइस गर्ल, आई लाइक हर। ये भी डाल, फर्स्ट क्लास हो गया, पेट्रोल भी डाल दी। मेरे साथ जरा स्टार्ट कीजिए। ओहो ये तो स्टार्ट ही नहीं हो रही। प्लीज जरा धक्का मार दीजिए ना। ऑफ कोर्स, एनी टाइम। चल बेटे। देखो मेरा पेट्रोल ले गई और मुझे अकेला छोड़ गई, दिस इज चीटिंग। और क्यों है बादशाह, फटफटिया झड़क में क्यों खड़ी करती? ओ ए गले और रख फटफटिया पीछे दे पहले आके। आवाज सुना दी जवाब नहीं, थोड़ा अच्छा गा हो। करना करो बाल साहब, कुड़ी को अपना मिनटा सेकंडा में पकड़ते हैं। ये कोई तरीका है ओवरटेक करने का? ओ बल्ले बल्ले, नहीं कुड़ी है तेरा जवाब नहीं। अरे क्या बकता है? ओ बकता नहीं कहता हूँ, साडे यार ने तेरी मल की थी, तेनु धोखा दे के भाग खड़ी हुई, ए गल चंगी नहीं की थी। तुमसे मतलब, तुम कौन होते हो दखल देने वाले? स्टूपिड ओल्ड सो एंड सो। हां पर ये गेट में तो मारनी है। ओ सौ रब दी, जे तू कुड़ी ना आंदी ते मैं तेरी। ओ छड़ यार, चल जान दे। ओ कुड़िए घर जा, आराम नाल घर जा। सलाम मेम साहब। अरे आप, आइंदा अगर किसी अजनबी से पेट्रोल डलवाए तो उसे लिफ्ट जरूर दे दीजिएगा, नहीं तो बेचारे को पैदल चलना पड़ेगा। सलाम दादाजी। चलो बादशाह, कुड़ी को फिट कर देता, गाड़ी स्टार्ट करो।
बदमाश। छोकरियों की तरह छुप छुप के क्या देखता है? अब देखना जो देखना है। भांजे, हमें तुम तो लड़कियों के बीच ऐसे जच रहे हो जैसे गोपियों के बीच किशन। हमें तो मजा आ गया। हाँ मामा, तुम्हें तो मजा आ गया लेकिन अपनी कमर का तो कमरा हो गया। अरे भांजे, कमर का कमरा तो होता शादी के बाद, जैसा मेरा। क्या कहा? नहीं कुछ नहीं, मजा आ गया। चलो लड़कियों, तुम लोग संगीत छिड़ करो, मैं भी चाय का बंदोबस्त करती हूं। हां हां चाय। अरे कहां महाशय, लड़कियों के महफिल में आने का जुर्माना तो भर के जाएगा। जुर्माना? जी हाँ, कोई प्यारा प्यारा मधुर मधुर गाना। गाना वाला मुझे नहीं आता। रोला तो आता है। भैया, ये सब आफत की पुड़िया है, गाने सुने बगैर तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। हाँ करेक्ट, अभी आता हूँ। हेलो रेशमी, कितनी देर कर दी तुमने। सॉरी शांता, यू ही देर हो गई। कोई बात नहीं रेशमी, ये मेरे भैया है रोहित। हेलो जी। हेलो। अब आप टुकुर टुकुर देखते ही रहेंगे या गाना भी सुनाएंगे? देखिए मुझे गाना वाना नहीं आता है। हाँ अगर आप लोग जिद करती हैं तो एक कहानी सुना देता हूँ। सच पूछिए तो ये कहानी नहीं है, एक हकीकत है जो एक सुहानी सुबह मेरे साथ हुई। सोच रहे हैं आप? सोच रहा हूँ लड़की की जिंदगी भी कितनी अजीब होती है। माँ बाप पाल पोस के बड़ा करते हैं और एक दिन अपने हाथों से अपनी लाडली को एक अजनबी के हाथों से जिंदगी भर के लिए दे। लेकिन इसमें दुखी होने की क्या बात है? जब अपने अपनों से बिछड़ते हैं तो दिल तो भर ही आता। क्या आपको अपनी सहेली के बिछड़ने का दुख नहीं? बिल्कुल नहीं, बल्कि मुझे तो खुशी है कि आज से शांता एक नई जिंदगी शुरू कर रही है। मगर नए बंधन पुराने रिश्तों को तोड़ तो नहीं देते। वो तो ठीक है, मगर नई चीज पाकर इंसान खुश होता है, दुखी तो नहीं होता। खैर छोड़िए, आप यहाँ कब तक हैं? कुछ दिन आ रहूं। और फिर कब आएंगे? पहली बार जब आया था शांता की बड़ी बहन की शादी थी, अब की बार शांता की शादी में। फिर तो आपके यहाँ आने का कोई चांस ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी दोनों बहनों की शादियाँ हो चुकी, फिर आप किसकी शादी में आएंगे? आपकी शादी में? मेरी? तब तो आप आ चुके, यहाँ तो शादी की लकीर ही नहीं है। नहीं है? नहीं है। जरा देख देख। हाँ हाँ
जीजा जी आप इस वक्त कहां से आ रहे हैं? आ नहीं जा रहा था शांता के घर तुम्हें लाने के लिए। इनसे मिलिए, ये है मिस्टर रोहित शांता की कजिन और ये है मिस्टर मोती मेरी जीजा जी। आपसे मिलकर बड़ी खुशी। हाउ डू डू? हाउ डू डू? मैंने घर छोड़ने जा रहा था, मुझे आने में जरा देर होगी वरना आपको ये तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। आओ रश्मि। बाय बाय एंड थैंक यू। बाय बाय। बाय बाय मिस्टर रोहित, फिर मुलाकात होगी। आओ रश्मि।